तो ये देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे, बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर एक 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई टू ए ट्रांसफार्मर, आउटपुट सर्किट ड्रॉन 2 एम्पियर करेंट एंड 440 वोल्ट, तो 440 वोल्ट फेमस वोल्टेज है, 440 वोल्ट का लगे झटका, छूने से तेरे, गाना सुने होगे। तो अगर 220 वोल्ट लगाए थे तो 440 मिला, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेगा और इधर जो है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं, दिस इज़ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अगर यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यहाँ एक मैं रेजिस्टेंस सोर्स लगा देता हूँ बल्ब आउटपुट सर्किट में, और यहाँ अपना इनपुट है, तो ये इधर से हम देते हैं इनपुट और इधर से आउटपुट लेते हैं, ठीक ना। इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं और इसको सेकेंडरी सर्किट बोलेंगे। इसको मैं 1 से डिनोट करता हूँ सफिक्स, इधर के सर्किट को मैं 2 पार्ट से डिनोट करता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कहता है इफ द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 80% करंट ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी विंड ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब जो प्राइमरी विंड है इस वाले में कुल कितना करंट फ्लो होगा, उस करंट की ही हमें कैलकुलेशन करनी है, मतलब I1 की कैलकुलेशन करनी है। अब देखो यहाँ से तुम देखोगे जो इफिशियंसी है ईटा, हमेशा डिफाइन करते हैं पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। तो पावर आउटपुट को मैं 2 से डिनोट किया हूँ, इसको 1 से डिनोट किया हूँ। तो पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज V2, करेंट इन सेकेंडरी, वोल्टेज ड्रॉन इन सेकेंडरी, करेंट इन प्राइमरी, और यहाँ से वोल्टेज इन प्राइमरी। तो यहाँ से तुम देखो जो डेटा दिया, इफिशियंसी जो है यहाँ से 80% दिया है, तो यहाँ से जो करंट I1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो जो आएगी I2V2, और यहाँ से ईटा और मल्टीप्लाई कर दो किससे बच्चों, V1 से। अब वैल्यू रख दो, I2 यहाँ से दिया हुआ है कितना है, ड्रॉन 2 एम्पियर करंट आउटपुट सर्किट, 2 एम्पियर करंट I2, वोल्टेज V2 कितना आउटपुट, 440 वोल्ट फेमस वोल्टेज, 440 वोल्ट, और यहाँ से डिवाइड 80% इफिशियंसी, मतलब 80 और डिवाइडेड बाई 80%, मतलब 80/100, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, V1, इनपुट कितना दिए से 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट, और ये तो एक जीरो ने एक जीरो को यहाँ ख़त्म कर दिया, ये जीरो ने इसको ख़त्म कर दिया। तो I1 की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से I1 की वैल्यू ऊपर बचा 2 और ये आ जाएगा 440, और नीचे बचा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, और यहाँ से तुम देखोगे तो ये कट गया 4 टाइम्स, दैट इज़ 5 एम्पियर करेंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ अपना डी ऑप्शन सही मैच कर जाता है।